Two partners invested 1,25,000 and 85,000 respectively in a business. They distributed 60% of the profit equally and decide to distribute remain 40% as interest on their capitals. If one partner receives 3,000 more than the other, then find the total profit. हमें जो total profit है वो इसका find करना है. तो मान लेते हैं let the profit is equal to x, then 60% profit जो है वो सेम रेशियो में बिकता है. सो 60 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 3x डिवाइड बाय 5. तो देखिए यहाँ पर फ्रॉम दिस ईच पार्टनर जो है वो कितना है, इस दोनों पार्टनर के हिस्से में कितना आएगा. सो दोनों पार्टनर जो है वो ए एंड बी दोनों के हिस्से में आ जाएगा 3x डिवाइड बाय 10 एंड यहाँ पर बी के हिस्से में भी 3x डिवाइड बाय 10 जो है वो आ जाएगा. अब जो 40% प्रॉफिट है, सो 40% ऑफ x टोटल प्रॉफिट x है, इसका 40% जो हो जाएगा वो है 2x डिवाइड बाय 5. और उसके कैपिटल जो रेशियो है उसके रेशियो में दोनों को आएगा, उन दोनों के रेशियो में. सो 1,25,000 = 85,000 उसका कैपिटल का रेशियो निकाल लेते हैं. सो यहाँ पर उसका कैपिटल का रेशियो निकल के आ जाएगा 25:17. इसे सिंप्लीफाई करते हैं. अब ये जब 40% जो प्रॉफिट है वो हम कैपिटल रेशियो के हिस्से में बांटेंगे. सो यहाँ पर देखिए पहले इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट कैपिटल, इंटरेस्ट के हिस्से में बांटना है. सो यहाँ पर 2x डिवाइड बाय 5 जो है 40% प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय टोटल जो है वो 42. इंटरेस्ट के हिस्से में मतलब कि कैपिटल के हिस्से में बांटना है. सो इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 5x डिवाइड बाय 21 एंड यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन सेकंड जो दूसरा पार्टनर है, जो मान ने यहाँ पर मान लिया कि बी जो है उसके हिस्से में आ जाएगा 2x डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17 डिवाइड बाय 42 इज इक्वल टू यहाँ पर जो है वो हो जाएगा 17x डिवाइड बाय 105. तो अब हम उन दोनों का टोटल निकाल लेते हैं. सो टोटल मनी रिसीव फर्स्ट पार्टनर जो ए है वो टोटल कितना रिसीव करेगा. सो 5x बाय 21 प्लस यहाँ पर उसका जो दूसरा हिस्सा है वो यहाँ पर लिखा है. सो 3x डिवाइड बाय 10 यहाँ पर इज इक्वल टू इसका जो टोटल प्रॉफिट है वो हो जाएगा 113x डिवाइड बाय 210. तो पार्टनर जो बी है उसका टोटल प्रॉफिट निकाल लेते हैं. सो 17x डिवाइड बाय 105 यहाँ पर उसमें ऐड कर देंगे उसका जो 60% वाला हिस्सा था. सो 3x डिवाइड बाय 10 उसमें ऐड करेंगे. सो उसका हो जाएगा 97x डिवाइड बाय 210. अब उन दोनों का टोटल प्रॉफिट जो है वो कितना हो जाएगा. अब यहाँ पर देखिए इफ वन पार्टनर रिसीव 3,000 मोर देन द अदर पार्टनर, जो पहला पार्टनर जो है वो दूसरे पार्टनर से 3,000 जो है वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न करता है. तो देखिए यहाँ पर 113x डिवाइड बाय 210 माइनस 97x डिवाइड बाय 210 तो यहाँ पर रहेगा इज इक्वल टू 3,000. यहाँ पर 3,000 जो है वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा. सो यहाँ पर 3,000 आ जाएगा. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सो x इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास निकल के आता है 39,375.
सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर.